स्वागत है आपका टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूँ इरशाद अली। यूपी टेट की प्रिपरेशन आपकी जोरों पर चल रही है, बट एक चीज़ का ख्याल रखिए आप, जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, बैक ईयर्स के 2017, 16, 15, 14, इनके पेपर्स को सॉल्व ज़रूर करिए आप। सभी सेक्शन, इनके पाँचों सेक्शन आपको सॉल्व करिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स का सेक्शन हम यहाँ सॉल्व करेंगे 2017 का। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, जीरो लेवल पर ही है, बिल्कुल नहीं आती है, तो हमारे साथ रहिए, समझ आ जाएगा आपको। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, या हमारे इस चैनल को ही पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन अगर आपको नजर आ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए। छोटी सी घंटी काले रंग की भी दिखाई देगी, उसको भी दबाना है आपको, तभी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आप तक आएंगे। चलिए, और इधर आपको यूट्यूब पर हमारी वीडियोज नहीं मिल रही थी, उसका रीजन ये थी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमने आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स लगभग कंप्लीट करा दिया है, ईवीएस का प्राइमरी के लिए, प्लस मैथ्स के 3 चैप्टर आपके कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, इनको कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, वीडियो के नीचे आपको एक ऐसा बटन दिख रहा होगा जहाँ टाइटल है, उसमें उसको प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ जो खिसकेगा वहीं पर वो आपका डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक दिखेंगे आपको ब्लू कलर के। ठीक है, उन लिंक्स के थ्रू आ जाइए। तो इसमें वक्त लग गया ईवीएस का कोर्स कंप्लीट कराने के लिए, तो ईवीएस आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स कर लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक से पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, कर लीजिए यहाँ से, और शुरुआत करते हैं हम। अब पेपर देखते हैं प्रीवियस ईयर का कैसा आया था। देखिए, आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है बिल्कुल भी, इसलिए जो है थोड़ा सा मुझे जो है मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आप वीडियोज़ को पहले ही शुरू में ही लाइक कर दीजिए, पहले तो एक तो वीडियो को लाइक करना है आपको, और प्लस शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है, यहाँ किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अभी एक मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, और इस बताना है कि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो एक संख्या मिलेगी उसमें यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये वाला चैप्टर हम करवा चुके हैं आपको। ठीक है, और नीचे देखिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये है परसेंटेज का, ये भी हम करवा चुके हैं। तो सिलेबस जो नया वाला मैथ्स का आया है उसमें अब इनके नाम डाल दिए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सारे के सारे ये पूछे जाने हैं पेपर में। आप इनको जो है मिस नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप कर लीजिए। हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं अभी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज का। तो अभी देखिए, ये स्टेप वाइज मैं सॉल्व करूंगा इनको, आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। तो दो नंबर्स हैं आपके पास, दो नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है, और क्या दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। दो नंबर्स का आपको डिफरेंस और प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, यानी अंतर और गुणनफल, और उनके रेसिप्रोकल का अंतर आपको पता करना है। व्युत्क्रम को बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, उनका उल्टा कर देते उन संख्याओं का। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, समझना है आपने कैसे। देखिए, चार ऑप्शंस भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ, ऐसे ही पूछे हुए हैं। तो दो संख्याएं मैंने मान ली, कोई भी मान लीजिए, अब एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी। तो एक संख्या है एक्स और दूसरी संख्या है वाई। ठीक है, तो अब दो संख्याओं का अंतर, पहले क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर, अंतर दिया हुआ है कितना, 5। ठीक, तो दो संख्याओं का अंतर, तो हमने तो ये संख्याएं मानी है। अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस कर दो, x माइनस वाई लिख दो या y माइनस एक्स लिख दो, ये दोनों अंतर ही है संख्याओं का। ठीक है, डिफरेंस को बोलते हैं अंतर। तो ये 5 दिया हुआ है हमें, दोनों चीज़ें 5 ही हैं। ठीक है, एक ही बात है, y माइनस एक्स या x माइनस वाई। दूसरा क्या दिया हुआ है, संख्याओं का गुणनफल क्रम से, अंतर तो ये हो गया और गुणनफल 36 है। गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनकी, प्रोडक्ट। ठीक है, इन्हीं नंबर्स का जो मल्टीप्लाई हमारे हिसाब से कितना होगा, x इंटू वाई, और ये दे रखा है कितना, 36, ये इक्वल रख दिया हमने। अब सवाल में पूछा है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर, तो पहली संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम बोलते हैं रेसिप्रोकल को। तो जब किसी संख्या का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या होती है उसको 1 के डिवाइड कर देते हैं, 1 से उसको जो है 1 के डिवाइड में रख देते हैं। ठीक है, तो ये 1, ये अगर x है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/x, अगर y है तो उसका उल्टा हो जाएगा 1/y। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। अब दो संख्याओं, अब इनके व्युत्क्रमों का अंतर है, तो ये व्युत्क्रम तो ये हो गए 1/x माइनस 1/y, तो इनका हमने क्या निकाल दिया, डिफरेंस या फिर अंतर। अब इसका एलसीएम लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे इसका, तो नीचे x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक, और इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे सीधे, तो क्या होगा, वाई माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई अपॉन में। अब वाई माइनस एक्स की वैल्यू देखो हमारे पास है क्या, वाई माइनस एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो यहाँ 5 रख दीजिए। दूसरा, x इंटू वाई की वैल्यू है क्या हमारे पास, हमारे पास ये रही x इंटू वाई की वैल्यू 36, यही आंसर है 5/36, ए ऑप्शन इज करेक्ट।
इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ये मैंने स्टेप्स आपको दिखाए हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है, वरना इतनी सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पता है आपको भी हर किसी का लेवल एक सा नहीं होता है मैथ्स में, ठीक। तो हम जो मैथ्स का कोर्स अपने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, अभी जो नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं हम, ठीक है, तो उसमें आपको बेसिक से बहुत एक एक चीज़ें बताई जाएंगी, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, डिफरेंस निकालना, ऐड करना, सारी चीज़ें जो आपके इन पेपर में पूछी जा रही हैं, सी टैट प्लस यूपी टैट दोनों के प्राइमरी में और जो जूनियर वाला पेपर मैथ्स का। इस बात का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं हमारे, आप देख लीजिए, लिटरली आपको मैं कह रहा हूँ अभी भी पेड कोर्सेज से भी ज़्यादा अच्छे हैं, पेड देकर जहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं वो, क्योंकि वहाँ इतनी बारीकियों से मैंने कराया है ईवीएस को और मैथ्स दोनों को। इवन एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, एक दो वीडियो देखकर ही समझ आ जाएगा कि आपको आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो वीडियोस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, 5-10 मिनट वेस्ट करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अब अगला है 378, 236, 449 का प्रोडक्ट, आपको जब करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सबका, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक संख्या मिलेगी, उस संख्या में आपको बताना है जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट का डिजिट है यानी इकाई का अंक है, वो कौन सा है इसके प्रोडक्ट करने के बाद पूरे का। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इस सबका पूरे का प्रोडक्ट करोगे डायरेक्टली, ठीक, 378 को 236 से गुणा कर रहे हो, 459 को 312 से कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपने। तो आपको क्या करना है, जो इन सबके जो लास्ट डिजिट है, सॉरी, जो इनके लास्ट डिजिट हैं सबके, इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 2 है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। तो इनके जो लास्ट डिजिट है उन सबको लिख लीजिए, 8 लिख लिया यहाँ पर, 6 लिख लिया यहाँ पर, 9 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है। तो इन सब की मल्टीप्लाई अगर आप आपस में कर देंगे तो जो लास्ट का डिजिट आएगा वही इस पूरे संख्या के मल्टीप्लाई का जो है लास्ट का डिजिट या यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक होगा, ठीक। तो आपने 8 की मल्टीप्लाई से की तो कितना है 48, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो आया 18, ठीक है। अब 18 की और 48 की मल्टीप्लाई आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जो लास्ट में डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करिए, 8 की 8 से मल्टीप्लाई करा तो 64 आया, और जब 64 आया तो 64 में यूनिट डिजिट क्या है, ये 10th डिजिट है। अगर इसी सवाल में पूछता है इसका कि 10th डिजिट बताओ तो 10th डिजिट हो जाता 6, अब पूछा है यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका 4, आंसर होगा डी। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आपको ये सब स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों मैं बताता हूँ आपको, इस 2 की मल्टीप्लाई करिए इसमें 9 में, तो 2 9 18, ठीक है, 2 और 9 की मल्टीप्लाई 18 आएगी, तो 18 में आप 8 को सेलेक्ट करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 6 में, 8 6 48 में आपको 8 मिला, ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई आप करेंगे इस 8 में, तो 8 × 8 कितना है 64, तो 64 में क्या है लास्ट का डिजिट 4। तो ये ओरली हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। सारी टेक्निक्स वगैरह का हम डिस्कशन करेंगे जो उसका स्टैटिक कोर्स में बनाऊंगा, आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा वो, ठीक है। आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहेगा आप इसको शेयर करिए, शुरू में ही लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर नहीं किया है अब लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर ज़रूर करिए इसको, ठीक है, ताकि हम इसको कंटिन्यू रख सकें आपके इस प्रोसेस। सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा आपको, इस बात की फिक्र आप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो इसका, a/3 = b/4 = c/7 हो, एक कंडीशन दे रखी है ऐसी, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, a+b+c/c का वैल्यू क्या होगा या मान क्या होगा। अब a+b+c/c इसमें क्या है, आपको ना a पता है, ना b पता है, ना c पता है, ना c पता है, ठीक है, आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज कहाँ से निकलेंगे आपके लिए, इनकी वैल्यू लाइए कहीं से भी ढूंढ के, वो कहाँ से लाएंगे, वो क्वेश्चंस में ही क्लू दे रखा होगा वहीं से निकालेंगे। तो ये जो पूरा फैक्टर है 1/3 = b/4 = c/7, हम क्या कह रहे हैं सबको इक्वल मान लेते हैं, के कोई भी संख्या कोई भी नंबर आप ABCD में कुछ भी मान लीजिए, के इक्वल मान लिया मैंने, ठीक है, ऐसा क्यों किया आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, और ये जब ये सब आपस में बराबर हैं ये आइडेंटिटी, तो a/3 = होगा किसके, के, तो यही तो लिखा है हमने यहाँ पर। ऐसे ही b/4 = होगा के, यही तो लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही c/7 = होगा के, तो यही लिखा है, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लिया, अब ये क्या है, अब ये 3 डिवाइड में है यहाँ पर, जब इस साइड इसको भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंचेगा के साथ में, तो ए की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली के में हो जाएगी, a = 3k, b = ऐसे यहाँ हो जाएगा 4k, ऐसे ही c = 7k। तो ये ए और बी और सी की वैल्यू मिल गई, अब इन वैल्यूज को हमें पुट कर देना है इसमें जो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दीजिए ए की वैल्यू 3k, बी की वैल्यू 4k, सी की वैल्यू 7k, यहाँ पुट कर दी। अब क्या किया हमने, के सब में जो है कॉमन है तो कॉमन को निकाल लिया, यहाँ क्या बचा अंदर 3 + 4 + 7, ठीक है, नीचे वाला जो कॉमन था के, उससे के से के कैंसिल हो जाएगा, एक से वैल्यूज हैं कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14, ऊपर नीचे हो गया 7, तो 14/7, तो इसका आंसर कितना आएगा जब इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 2 आंसर है इसका, ठीक।
इस तरह से सॉल्व करना है, तो इसका आपको आंसर लगाना है कौन सा, टू, इस तरह से सॉल्व करने हैं। ये इतने लंबे क्वेश्चन नहीं जितने आपको नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, उस संख्या का 1/4 क्या होगा? सॉरी, तो संख्या मैंने एज इट इज लिख ली। अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें के का मतलब होता है या का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/4 को एज इट इज लिख लीजिए, का मतलब फिर से मल्टीप्लाई रखा मैंने, 2/3 को एज इट इज रख लिया, इक्वल टू 24, इस संख्या को वैसे ही लिखा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप उसमें 3 और 2 की, तो ये हो गया 3 × 2 = 6, ऐसे ही नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 12, इक्वल टू 24, वैसे ही है ठीक। अब क्या करेंगे आप, इस ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, इसको इस साइड भेज दीजिए, क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो एक साइड में भेज दो आप, जो नंबर्स हैं ठीक है। जब इधर भेजोगे तो 6/12 है, जब दूसरी साइड ये जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी 12/6 हो जाएगा ये 12/6। तो जब इसको यहाँ लिखेंगे तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 6 × 12, इधर भी कैंसिल कर सकते थे लेकिन कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं इधर ला कर सॉल्व कर रहा हूँ इसको ठीक है। तो यहाँ 24 × 2 हो जाएगा, तो ये हो गया, संख्या आ गई हमारी 48, यानी 24 थी वो संख्या, बट यहाँ संख्या नहीं पूछी है, उस संख्या का 1/4, जो ये संख्या आई है इसका भी 1/4 पूछा है। बहुत ही शार्प क्वेश्चन है ये ठीक है, आप सोचेंगे यहाँ तक आकर ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, बट आगे भी करना है। तो ये देखिए 48 का अगर आप 1/4 निकालेंगे, 48 का 1/4, तो किस तरह से आएगा, 48 × 1/4 ठीक। तो इस 4 से ये 48 को कैंसिल कर दी तो आंसर 12 आएगा ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 12। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये पेपर जो है आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, अभी तो मैंने यही क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा आपको ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ की प्रतिभावान, ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको सब के सब ठीक है। बस बने रहिए हमारे साथ, वीडियोज को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच।